नमस्कार, आज मैं आपको भारतीय शास्त्रीय संगीत में मेरुखंड पद्धति की चार स्वरों के पैटर्न से किस प्रकार से स्वरों का पैटर्न बनता है आपको बताऊंगी। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप सबको मेरुखंड पद्धति से 2, 3, 4, 5 के किस प्रकार से पैटर्न बनते हैं, उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है आप सभी को बताया था। आप सभी ने उसके अनुरूप अभ्यास आरंभ कर दिया होगा, क्योंकि मेरुखंड पद्धति के पैटर्न से अभ्यास करना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारे स्वर आवाज़ खुलती है, आवाज़ में मिठास पैदा होती है, स्वरों का लगाव समझ में आता है और बिना स्वरों के स्थान को समझे हम कुछ भी नहीं गा सकते। इसलिए स्वरों को समझना, स्वरों के स्थान को समझना हमारे गले आवाज़ को, रियाज को इसके अनुरूप अभ्यस्त करना कि कौन सा स्वर किस तरह से हम कोई भी स्वर लगा सकते हैं, वह अभ्यास इसी तरह से आता है। इसलिए इसका आप नियमित अभ्यास आरंभ कर दें। आज मैं आपको मेरुखंड पद्धति के चार स्वरों के खंड से किस प्रकार से पैटर्न बनता है आपको बताती हूँ। मान लीजिए हमने आज लिया सारे ग म, तो चार खंड का किस तरह से हुआ, सारे ग म, रे ग म प, ग म प ध, म प ध नी, प ध नी सा। ये हमने चार चार स्वरों का एक खंड ले लिए। अब सारे ग म का किस तरह से पैटर्न बना, सारे ग म, रे ग म सा, ग म सारे, म सारे ग, ये चार स्वरों के इस तरह से इस एक खंड से ये पैटर्न बना। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट लेते हैं रेगा मापा, तो रेगा मापा का किस प्रकार से बना, रेगा मापा, ग म प रे, मापा रे ग, प रे ग म, ये रेगा मापा से ये स्वरों का पैटर्न बना। और इसके बाद ग म प ध, इस खंड को हमने लिया और इसका आगे किस प्रकार से बना है, ग म प ध, म प ध ग, प ध ग म, ध ग म प, ये ग म प ध का ये पैटर्न इस प्रकार से बना। आगे हम देखते हैं म प धनी, तो म प धनी का किस प्रकार से बना है, म प धनी, प ध नी म, धनी म प, नी म प ध, ये इसका पैटर्न बना है। आगे प ध नी सा, प ध नी सा का पैटर्न, प ध नी सा, धनी सा प, नी सा प ध, सा प धनी, ये इस प्रकार से बना। और इसके बाद हम धनी सारे, उसको भी हम ले सकते हैं, धनी सारे, नी सा रे ध, सारे धनी, रे धनी सा, ये हमने इस प्रकार से लिया। और इसी पैटर्न को हम तार सप्तक में और सा से नीचे मंत्र सप्तक में भी इसी पैटर्न को हम दोहरा सकते हैं, हमें दोहराना भी चाहिए, इससे हमारा मंत्र सप्तक का और तार सप्तक का रियाज भी होता है और साथ ही हमारी जो पिच सेंस है हमारा वो भी डेवलप होता है। तो इसको हम चार खंड के इस पैटर्न को हम किस प्रकार से गाएंगे देखिए। रीगा
खंड से हमने कितने सारे पैटर्न बना लिए और उसका स्वरूप किस प्रकार से था अभी आपने सुना। प्रारंभिक में आप केवल धीमी गति में आप इसका अभ्यास करें और उसके बाद आप द्रुत गति में इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उससे पूर्व धीमी गति में आपको करीब करीब 1000 बार मैं तो कहूँगी कि आप उसका अभ्यास करें, तभी आपके गले को स्वर की समझ डेवलप होगी, स्वरों को वह पहचान पाएगा कि किस स्वर का कौन सा स्थान है। उसके बिना जब तक हमारे स्वर गड़बड़ होते रहेंगे यह समझ डेवलप नहीं होगी, और इसलिए तब तक हमें जब तक स्वरों की पहचान नहीं हो जाती हमें धीमी गति में ही इन स्वरों का अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद हमें तीव्र गति पे आना चाहिए। जब हम तीव्र गति पे गाएंगे तब हमें किसी का ही स्पीड गति तेज कर देनी है और द्रुत गति से हमें इसका अभ्यास करना है। मैं थोड़ा सा द्रुत गति से इसका करके बताती हूँ। आप जैसे जैसे आपका अभ्यास और स्वरों का पकड़ आपकी पक्की होती जाए आप जितना चाहें उतना द्रुत गति में इसे गा सकते हैं, लेकिन इसका अभ्यास अति आवश्यक है। स्वरों को आप ध्यान से लगाएं, ध्यान से लगा के आप मॉर्निंग रियाज करें इसका, और जितना ज़्यादा आप रियाज करेंगे उतना ही आपके गले में आवाज़ में निखार आएगा, आपके स्वर पक्के होंगे और उसके बाद आप जब कोई भी बंदिश गाएंगे तो उसकी एक जो सुनने पर जो एक हमें कर्ण प्रिय लगता है वह उसका एक अलग ही रूप होगा। इसलिए स्वरों का अभ्यास नियमित रूप से अति आवश्यक है। आप इसी के अनुरूप आप जो मैंने पैटर्न बताया उसे आप लिख लें और उसके बाद आप इसी तरह से नियमित अभ्यास करें। थैंक यू।